हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, द सब्जेक्ट डोमिनेट्स इन द एक्टिव वॉइस। जब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की, तो उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वो डोमिनेट करता है। मतलब सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक्टिव वॉइस के लिए। और अब जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, द ऑब्जेक्ट डोमिनेट्स इन द पैसिव वॉइस। जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो उसमें क्या डोमिनेट करता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो डोमिनेट करता है। जैसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल से समझिए इसे, लता सिंग्स ए सॉन्ग। यहाँ पे जो दिया हुआ है, लता सिंग्स ए सॉन्ग, लता क्या करती है, एक गीत गाती है। हिंदी में इसका मैं बताता हूँ, लता एक गीत गाती है। देखिए, आप इस सेंटेंस को किसी और तरीके से बोल सकते हैं क्या? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, जब मैं एक गीत से स्टार्ट करूँ, तो जब मैं एक गीत से स्टार्ट करता हूँ तो एक गीत लता के द्वारा गाया जाता है। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, एक गीत लता के द्वारा गाया जा सकता है। तो फिर मैं अगर बात करूं इंग्लिश का, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लता किसके रूप में था, सब्जेक्ट के रूप में था। और ये चूँकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस में लता यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस पर है, लता पर। लता सिंग्स ए सॉन्ग, तो यहाँ पे कौन गीत गा रही है, तो लता गा रही है। तो इसके लिए लता पे फोकस है, और यहाँ पे जो लता है वो सब्जेक्ट के रूप में है, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट है। लता सिंग्स ए सॉन्ग। और जब हम इसी को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे ए सॉन्ग, चूँकि गाना गीत जो हो जाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, तो ए सॉन्ग इज संग बाय लता। एक सॉन्ग लता के द्वारा क्या होता है, गाया जाता है। तो हम इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं कि लता सिंग्स ए सॉन्ग, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ए सॉन्ग इज संग बाय लता। इस तरह से कन्वर्जन होता है। जहाँ तक हम बात करते हैं, तो फिर से मैं कहना चाहूँगा, जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमेशा महत्वपूर्ण होता है, और जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है। मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है वो लता यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, और फिर जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो लता किसके रूप में हो जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। और यहाँ पे एक ए सॉन्ग जो है वो सब्जेक्ट के रूप में है, जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो ए सॉन्ग किस रूप में आ जाता है, सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। इसी तरह कुछ मैंने लिखा है, एक प्रोनाउन चेंजिंग टेबल जो है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंजिंग आपको सबसे पहले जानना होगा, किस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। क्योंकि ये एक्टिव और पैसिव वॉइस सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ही बेसिस से हम इसे कन्वर्जन को सीखते हैं। पहली बात अगर हम करें, तो आई किस में कन्वर्ट होता है, मी में कन्वर्ट होता है, वी अस में कन्वर्ट होता है, यू में कन्वर्ट होता है, सी हर में कन्वर्ट होता है, ही हिम में कन्वर्ट होता है, दे देम में कन्वर्ट होता है, इट किस में, इट में कन्वर्ट होता है, एंड हु किस में कन्वर्ट होता है, हुम में कन्वर्ट होता है। ये सारे चीज़ आपको याद करने पड़ेंगे। और इसी में आपको इस तरह से भी देखना पड़ेगा कि अगर हमें ऑब्जेक्ट दिया रहे, जैसे देम लिखा रहेगा, तो फिर हम जब सब्जेक्ट के रूप में उसको बनाएंगे, तो दे के रूप में लिखेंगे। मतलब ये कन्वर्जन दोनों तरफ से होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे याद कर लें, क्योंकि इसके बिना आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कन्वर्जन को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं अब सिंपल से एग्जांपल से आगे बढ़ता हूँ, और आपको सब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस का कंसेप्ट, मैं टेंस के बेसिस से बताऊंगा, क्योंकि टेंस, कितने टेंस होते हैं, तीन तरह के टेंस होते हैं, और उस तीनों टेंस के कितने पार्ट होते हैं, एक के चार पार्ट होते हैं। जिसे हम बात करें प्रेजेंट टेंस के, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। ये चार तरह के टेंस होते हैं, उन चारों तरह के टेंस का एग्जांपल हम लोग देखेंगे और हम सीखेंगे कि किस तरह से कन्वर्जन होता है। क्योंकि एक्टिव वॉइस होता क्या है, जो सिंपल सेंटेंसेज हम पढ़ते हैं, जो सिंपल टेंस हम पढ़ते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और फिर हम हर एक टेंस के बेसिस से चार तरह के टेंस को पढ़ेंगे और फिर उसका कन्वर्जन देखेंगे। इवन हम हर एक तरह के टेंस में भी तीन चार तरह के सेंटेंस देखेंगे, जो कि बेसिक के से मैं आपको बेसिक से लेके हायर कंसेप्ट को भी समझाने का कोशिश करूँगा, जो आपके एग्जामिनेशन में आए और आप आसानी से उसे बना सकें। मैं बात करता हूँ बेसिक रूल ऑफ द वॉइस विद द टेंस। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि तीन तरह के टेंस होते हैं और हर एक टेंस के चार चार टाइप होते हैं। फिर प्रथम टेंस की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस में भी बात करें तो प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस उसका पहला टेंस होता है। और हम इस प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस में, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कहते हैं, इसमें भी हम चार तरह के सेंटेंस को पढ़ेंगे। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि आप जानते हैं सिंपल जो सेंटेंस होता है, जैसे आई रीड ए बुक, यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसी को निगेटिव के रूप में देखेंगे तो आई डोंट रीड ए बुक होगा। एंड जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में पढ़ेंगे तो डू आई रीड ए बुक होगा। एंड इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के रूप में देखेंगे डू आई नॉट रीड ए बुक। इस तरह से हम हर एक सेंटेंस को, जो कि आपने पढ़ा होगा अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा ये सारे चीज़ों को, अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, एंड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आपने पढ़ा होगा। और आज हम उसका कन्वर्जन सीखेंगे, हम किस तरह से ईजिली कन्वर्ट करते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि आपको स्ट्रक्चर याद करवाया जाता है कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस रहे तो आप इस तरह से एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर होता है और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। बट मैं आपको बिना स्ट्रक्चर का समझाने का कोशिश करता हूँ, शायद वो आपके लिए हमेशा के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे देखिए आप, आई रीड ए बुक, आप जानते हैं, मैं टेंस को भी थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ। आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मतलब ही सी इट एंड नेम के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में एस लगता है, और जब इसके अलावा कोई भी चीज़ हो, आई हो, वी हो, यू हो, उन सब चीज़ के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। ये हम पहले से जान चुके हैं। और फिर जब हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको दो चीज़, जैसा कि मैंने कहा था कि एक तो भीतरी फॉर्म होगा हर एक चीज़, जैसे आई रीड ए बुक, यहाँ पे आई क्या था, सब्जेक्ट था, रीड क्या था, वर्ब था, ए बुक क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो ए बुक था वो सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया, ए बुक हो गया। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एस एंड ई एस हमेशा किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, इज आर एम में कन्वर्ट होता है। किस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। मेन कोड वर्ड आपका यही है। यहाँ से आप देखिए एस या ई एस किस में कन्वर्ट होगा, इज आर और एम में कन्वर्ट होगा। तो ए बुक जैसे सिंगुलर है, ए बुक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम लोग इज का यूज करेंगे। ए बुक इज रेड, चूँकि भीतरी फॉर्म होना ही होना है। आप पूरे के पूरे जितना भी एग्जांपल पढ़ेंगे हर एक में आप देखेंगे कि मैं आपको भीतरी फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा ही। जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब का भीतरी फॉर्म ही लेंगे। तो ए बुक इज रेड बाय मी। वाई बाय मी, बाय लगाना आपको ज़रूरत रहता है। और उसके बाद फिर यहाँ सब्जेक्ट क्या था, आई था, आई को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मी में कन्वर्ट कर दिया। ए बुक को मैंने ए बुक लिया। इज यहाँ पे चूँकि कोई भी एग्जुलरली वर्ब नहीं दिख रहा है तो पैसिव वॉइस में हमेशा एक ना एक एग्जुलरली वर्ब को होना ही होना पड़ता है, होना ही रहता है। तो यहाँ पे आपका एग्जुलरली वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। और रीड का कैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय मी हो जाएगा। अब जरा इसे बना के देखिए, ही लव्स मी, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट के रूप में था एक्टिव सेंटेंस में, तो फिर मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई के साथ इज और आर तो लग नहीं सकता, तो एम ही लगेगा, आई एम लव्ड, फिर भीतरी फॉर्म बाय हिम।
मीन्स आपको सिंपली क्या याद रखना है इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए, जो जिसमें निगेटिव वर्ड ना हो, जिसमें क्वेश्चन मार्क ना हो, मतलब जो क्वेश्चन वाला वर्ड सेंटेंस ना हो, इन सब चीज़ को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ देख आप जैसा कि देख रहे हैं एस या ई एस किस में कन्वर्ट हो जाता है, इज आर एम में कन्वर्ट हो जाता है, और वर्ब का क्या हो जाता है, बी थ्री फॉर्म हो जाता है। आप इतने ही बात को ध्यान में रख के किसी भी तरह के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही निगेटिव सेंटेंस रहे, जैसे कि आई डोंट रीड ए बुक, अगर ये रहेगा तब हम उसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे। सिंपल तरीका यही रहेगा, थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, आई डोंट रीड ए बुक, यहाँ पे आई डोंट रीड ए बुक, यहाँ पे फिर ए बुक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा ए बुक। और आप जानते हैं कि डू और डज, डू डज जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसके निगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं डू और डज का। क्यों? क्योंकि नोट कभी भी, नोट के लिए एक एक्जुलरी वर्ब हो चाहिए हमें, इसीलिए यहाँ पे चूँकि इसमें आप जानते हैं आई रीड ए बुक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, वहाँ तो कुछ लगा नहीं होता है, वहाँ तो कोई भी एक्जुलरली वर्ब लगा नहीं होता है, तो एक्जुलरली वर्ब के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई डोंट रीड ए बुक इस तरह से लगा के सेंटेंस को, टेंस को बनाते हैं। अब यहाँ पे डू नोट, चूँकि हमने यहाँ पे डू नोट लगाया, ये एक्जुलरली वर्ब के रूप में काम करेगा, बट हम जानते हैं कि जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इज आर एम प्लस क्या होता है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप मूल मंत्र ही याद कर लीजिए, इज आर एम और प्लस क्या होगा, बी थ्री। तो फिर ए बुक के बाद मुझे इज तो लगाना ही है, क्यों, क्योंकि बुक क्या है, सिंगुलर है, ए बुक इज नॉट रीड, ए बुक इज नॉट रेड बाय मी। सिंपली यहाँ पे अगर आप याद करें कोडिंग वर्ड, तो जस्ट ड्रॉप डू और डज। जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बना रहे हो तो आप क्या करें, डू या डज को क्या करें, ड्रॉप कर दें, और आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे आप देखिए अगला एग्जांपल, यू डोंट ईट ब्रेड, यू डोंट ईट ब्रेड, तो यहाँ से ब्रेड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में था, ये सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। ब्रेड इज नॉट, क्यों इज होगा, ये तो आप जान ही रहे हैं सिंगुलर के लिए, और नोट चूँकि निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें भी मुझे नोट लगाना ही पड़ेगा, तो ब्रेड इज नोट और भी थ्री फॉर्म होना ही है, ईटन बाय यू। बाय यू क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो था वो अब इसमें क्यों, ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, और जैसा कि मैंने आपको पीछे चार्ट दिखाया है और उस टेबल में आपने देखा था कि यू का यू में ही कन्वर्जन होता है, इसीलिए ए ब्रेड इज नोट ईटन बाय यू। तो अभी तक मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए मेन मंत्र जो मेरे तरफ से आपको बताया जा रहा है, इज आर एम प्लस बी थ्री, वही होना है, चाहे वो हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का। तो नेगेटिव सेंटेंस में एक और आप दिमाग में रख सकते हैं कि डू और डज जो वहाँ पे यूज किया जा रहा है उसको हमें क्या करना है, डू और डज को हटा देना है। फिर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन, प्रश्नवाचक जो होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रश्नवाचक की जब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो डू आई रीड ए बुक, यहाँ पे पहले क्या हो जाए, चूँकि इसमें आप जान रहे हैं कि इंडेफिनिट टेंस में कोई भी एक्जुलरली वर्ब नहीं होता है, इसीलिए निगेटिव बनाने के लिए भी मैंने आई डोंट रीड ए बुक का यूज किया। यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे तो डू आई रीड ए बुक, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो एक्जुलरली वर्ब ना होने की वजह से हमने यहाँ पे डू लिया, डू आई रीड ए बुक। ये मैं आपको साथ में टेंस भी बता रहा हूँ थोड़ा सा, डू आई रीड ए बुक। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क का आंसर हमें जैसे निगेटिव था यहाँ पे, तो यहाँ पर भी मैंने क्या रखा, निगेटिव ही रखा। उसी तरह जब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डू आई रीड ए बुक जैसे है, तो
यहाँ पे इज पहले होगा, मतलब एक्जुलरली वर्ब। एक्जुलरली वर्ब फिर से हम बोलना चाहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने क्या बताया, इज आर एम प्लस वी थ्री होना ही होना है। तो फिर इज को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्जुलरली वर्ब के रूप में ले लेंगे। तो इज यहाँ पे सबसे पहले एक्जुलरली वर्ब के रूप में आ जाएगा इज। उसके बाद फिर वैसे ही ऑब्जेक्ट क्या था, ए बुक, तो ए बुक आ जाएगा। इज ए बुक रेड बाय मी और क्वेश्चन मार्क। अब इसे समझ सकते हैं आसानी से, डज ही लव मी, जहाँ पे लिखा हुआ है डज ही लव मी, चूंकि आप जानते हैं ही के साथ अगर अगर सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस का बनाते तो ही लव्स मी होता, तो इसीलिए जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं डज ही लव मी होता है। टेंस का बात हम बात कर रहे हैं, जब हम इस टेंस को सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे मी था, मी के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हमको क्या रखना है, एक्जुलरी वर्ब रखना है, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो एम एक्जुलरी वर्ब को मैंने पहले रखा, फिर एम आई, देन हियर सी लव्ड तो होना ही है वी थ्री बाय हिम। कितना सिंपल है, आप देख सकते हैं इसको बनाने में। अच्छा, जब हु रहे तब हम किस तरह से बनाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड, इसको हु, वेयर, वाई, इस तरह का कोई भी सेंटेंस रहे इसे हम डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं। और जब डब्ल्यू एच वर्ड का क्वेश्चन रहे तब हम किस तरह से उसका बनाएंगे पेसिव वॉइस, हम इसके बारे में बात करते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड को हम किस तरह से पेसिव वॉइस बनाएंगे, जैसे यहाँ देखिए आप देख रहे हैं हु टेल्स यू डैट, हु टेल्स यू डैट, तो यू डैट यहाँ पे पूरा का पूरा किसके रूप में है, तो यहाँ पे देखिए हु किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाय हुम में कन्वर्ट हो जाता है। बाय हुम के बाद फिर आगे आप देख सकते हैं यू है, तो यू के लिए एक्जुलरी वर्ब, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले एक्जुलरी वर्ब को आना है, तो आर आएगा ही, बाय हुम आर आ गया, और उसके बाद यू टोल्ड डैट, यहाँ टेल था, यहाँ पे क्या हो गया भीतरी फॉर्म टोल्ड डैट। अगला एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो वाई डू यू सी हिम, वाई डू यू सी हिम, यहाँ सॉरी वेयर डू यू सी हिम, वेयर डू यू सी हिम, यहाँ पे जब हम डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में वेयर देखते हैं तो डब्ल्यू एच वर्ड वैसे का वैसे ही होता है, एक्सेप्ट कि हु किस में कन्वर्ट हो जाता है पैसिव वॉइस में, बाय हुम में कन्वर्ट हो जाता है। अन्य डब्ल्यू एच वर्ड वैसे का वैसे ही रहता है, जैसे हाउ भी रहता है तो वो भी वैसे ही रहता है। वेयर डू यू सी हिम, तो वेयर का क्या हो जाएगा, वेयर ही हो जाएगा। एंड बात करेंगे तो वेयर का वेयर ही हो जाएगा, और इज, इज क्यों होगा, क्योंकि हिम है ऑब्जेक्ट के रूप में तो यही सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके सब्जेक्ट बनने के लिए यहाँ पे इज होना ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वेयर इज ही सीन बाय यू, क्योंकि यू यहाँ पे किसके रूप में था, सब्जेक्ट के रूप में था, तो बाय यू लग गया। इज चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट से पहले तो एक्जुलरली वर्ब आना ही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, आप यहाँ भी देख सकते हैं सब्जेक्ट से पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्जुलरली वर्ब आना ही है, सब्जेक्ट से पहले एक्जुलरली वर्ब आना ही है, और इसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं सब्जेक्ट से पहले एक्जुलरली वर्ब आना ही है। तो फिर अब हम बढ़ते हैं, तो इसमें आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि डू डज जो था वो फिर से हम बताना चाहेंगे इज आर एम में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, जो ये डू डज के रूप में आ रहा था या फिर इसको हमने किसके रूप में कन्वर्ट कर दिया, इज आर एम के रूप में कन्वर्ट किया। और जब हु होता है तो बाय हुम करके बनाते हैं, और जब डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड को वैसे ही रहने देते हैं। फिर हम सबसे पहला काम इसमें मेरा होता है सब्जेक्ट खोजना, हम सब्जेक्ट खोज लिए, सब्जेक्ट क्या आ गया, ही आ गया। तो चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमको एक्जुलरी वर्ब खोजना पड़ेगा, तो ही के लिए एक्जुलरी वर्ब इज का यूज होगा, वेयर इज हो गया, फिर ही होगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा कर लिए, वेयर इज ही, और भी थ्री तो लगना ही है, सीन बाय यू। आगे हम बढ़ते हैं, जब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बोथ रहता है, मतलब नोट भी लगा रहे और क्वेश्चन मार्क भी रहे, तो मतलब डू आई रीड ए बुक, डू आई नोट रीड ए बुक,
यहाँ ये क्या है, इंट्रोगेटिव डू लगा हुआ है और क्वेश्चन मार्क है, मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है एंड निगेटिव भी है, चूंकि यहाँ पे नोट भी लगा हुआ है। डू आई नोट रीड ए बुक, जब हम इसकी बात करते हैं इसको कैसे बनाएंगे, वैसे ही सिंपली नोट है तो नोट आपने पहले भी देखा नोट रहता है, जब हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो नोट रहता है तो उसमें भी नोट लगा ही रहने देते हैं। और जिस स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, मतलब पहले डू लगा हुआ था तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे फिर पहले इंट्रोगेटिव को हम देखते हैं, आई डू आई नोट रीड ए बुक, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा, ए बुक, जो कि पहले ऑब्जेक्ट था, अभी ए बुक क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ए बुक अगर सब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो, उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज ए बुक। आगे बात करते हैं नोट, चूंकि निगेटिव सेंटेंस था तो निगेटिव सेंटेंस रहेगा, इज ए बुक नोट भीतरी फॉर्म रेड बाय मी, सिंपल। जब हम बात करते हैं वेयर डू यू नोट सी हिम, अब आप फटाफट बना के देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड तो डब्ल्यू एच वर्ड में ही रहेगा, और यहाँ पे हिम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, जब सब्जेक्ट हिम होगा, सब्जेक्ट हिम का सब्जेक्ट ही हो जाएगा, ही के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा, चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे इज आर एम प्लस बी थ्री, हर एक चीज़ में आप इतना ही याद रखिए, इज आर एम प्लस बी थ्री के फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेयर डू यू नोट सी हिम, तो वेयर का वेयर ही हो जाएगा, ही के लिए इज आ जाएगा, नोट लगा देंगे बी थ्री एंड बाय यू बाय सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में था तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में बन जाएगा। आगे हम देखते हैं हाउ डू यू नो हिम, हाउ डू यू नो हिम, तो यहाँ पे फिर देखते हैं हाउ, मैंने जैसा कहा डब्ल्यू एच वर्ड या हाउ वाई ये सब वैसे का वैसे ही रह जाता है, तो हाउ हाउ ही हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हम सब्जेक्ट चूज करेंगे, हिम के लिए सब्जेक्ट ही हो जाएगा, और ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगाना जरूरी है, और चूंकि हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव और हम इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम ही हो सकता है, तो ही के लिए इज हो जाएगा, और ये सेंटेंस भी किस में आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गया, हाउ इज ही, एंड हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंटेंस, तो यहाँ पे नोट भी लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हाउ डू यू नो हिम, हाउ डू यू नो हिम, हाउ इज ही नोट नोन टू यू, सॉरी यहाँ पे एक चीज मुझे लग रहा है छूट गया है, हाउ डोंट यू नो हिम होगा, और यहाँ पे आप नोट लगा लीजिए, हाउ डोंट यू नो हिम, तो हाउ इज ही नोट नोन टू यू, तो यहाँ पे हाउ इज ही के बाद नेगेटिव भी लगा देंगे, नोट नोन टू यू। आगे बढ़ते हैं, हु डज नोट टेल यू डैट, हु डज नोट टेल यू डैट, तो यहाँ पे बाय होम से स्टार्ट करेंगे, बाय होम, और यहाँ पे यू क्या था, ऑब्जेक्ट के रूप में था, तो यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, और यू के साथ आर लगता है, चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, तो वाई बाय होम आर यू नोट टोल्ड डैट, इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। आगे इसके बाद हम ये चार ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चार सेंटेंस हो गया आपका, पहला हो गया प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हो गया निगेटिव सेंटेंस, तीसरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ये चार टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा हो गया। अब इसी तरह हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी चार सेंटेंस हम पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहला सेंटेंस जो हम लेते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसा कि हम जानते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, ये किसका एग्जाम्पल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, आई एम रीडिंग ए बुक। यहाँ पे भी वैसे ही ए बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में था तो उसको हम किसके रूप में लेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लेंगे ए बुक, और फिर वैसे ही
प्रेजेंट टेंस है तो इज आर एम तो होना ही है, और यहाँ पे एक टेंशन भी आपको नहीं होता है, डू डज का इसमें कोई भी टेंशन नहीं होता है। तो जैसे एम दिया हुआ है तो वो आई के साथ एम लगता है, बट यहाँ पे ए बुक के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। और चूंकि सब्जेक्ट में क्या वर्ब में क्या लगा हुआ है, आई एन जी लगा हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आई एन जी को हम किस में बदल देते हैं, बीइंग में। बस आप इतना ही समझिए, आई एन जी को इस पूरे कंटिन्यूअस टेंस में मेरा काम रहेगा, आई एन जी को बीइंग में बदलना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का भी कोई ज़्यादा टेंशन आपको होगा नहीं, डू डज रहेगा नहीं, चूँकि ऑलरेडी जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम देख रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब में आई एन जी लग के ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है, तो फिर हमें यही तो दो चीज़ चाहिए। मैंने जैसा आपको शुरू से ही बोला है कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्जुलरली वर्ब तथा वर्ब का भीतरी फॉर्म चाहिए। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का या प्रेजेंट टेंस का बात करते हैं तो इज आर एम हो जाता है, वैसे ही जब हम आपको पास्ट टेंस का पढ़ाएंगे तो हम वहाँ पर एक्जुलरली वर्ब के रूप में वाज वेयर लेंगे, जब फ्यूचर टेंस का बात करेंगे तो सेल विल लेंगे। बस इसी से तो मेरा बनना है, आपको इज आर एम यहाँ पे लेना है, फिर पहला ही रूल इज आर एम, और आपको भी थ्री फॉर्म लेना है। एक एक्स्ट्रा बात आपको याद रखना है, चूँकि आई एन जी यहाँ पे वर्ब में लगा हुआ है तो उसको किस में बदलना है, बीइंग में बदलना है। अब देखिए, आपको स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ता है क्या, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको याद रखना इतना संभव नहीं है, तो फिर आप सिंपली समझिए जो आपको एग्जाम में काम आ सके। आप देख रहे हैं कैसे मैंने कन्वर्ट किया, I am reading a book, तो यहाँ पे a book क्या हो जाएगा आपका, a book यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, a book is, और मैंने बताया ing इसमें लगा हुआ है भर में, तो being लगाइए, being read by me। मैंने एक ही एग्जाम्पल को बार बार लिया है जिससे हर एक सेंटेंस में आप अच्छे से समझ पाएँ। He is eating bread, तो यहाँ पे bread क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में था, इसको आप सब्जेक्ट बना लीजिए, bread, ब्रेड होस्ट से चालू हो जाएगा, इज हो जाएगा, और आई एन जी लगा हुआ था इसमें तो बींग लगा लीजिए, और फिर भीतरी लगा लीजिए बाय हिम, सिंपल है ना, जैसा मैंने बोला। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बस यही आपका मेन चीज़ होगा जो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, इसलिए मैंने ऐसे, आप पूरा वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने कोडिंग वर्ड को इस तरह से हाईलाइट करके लिखा है। अब आपको सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में इतना ही याद रखना है कि आई एन जी को मुझे क्या करना है, बींग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फिर हम आगे देखते हैं, ही इज ईटिंग ब्रेड, ब्रेड इज बीइंग ईटन बाय हिम। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस का, तो निगेटिव सेंटेंस में डू डज तो होना ही नहीं है, वो मैंने पहले ही कह दिया, डू डज का कंसेप्ट ही इसमें ख़त्म होता है, क्योंकि ऑलरेडी जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो उसके रूल के अनुसार, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल के अनुसार मुझे क्या करना पड़ता है, एक्जुलरली वर्ब लगाना ही पड़ता है। आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, आप आसानी से बना सकते हैं, ए बुक नॉट है तो नॉट रहेगा, ए बुक के साथ क्या हो जाएगा, इज, ए बुक इज नॉट, चूँकि इसमें आई एन जी लगा हुआ है तो बींग लगाएंगे, ए बुक इज नॉट बींग रेड बाय मी। आगे की बात करें तो ही इज नॉट ईटिंग ब्रेड, तो फिर यहाँ से ब्रेड पहले हो जाएगा, इज हो जाएगा, नॉट तो लगना ही है, बींग ईटन बाय हिम। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो आसान होते चलता है। बस आपको फिर से बताना चाहेंगे, प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस में मुझे सिर्फ याद रखना था कि जब भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं उसमें इज आर एम होना चाहिए और वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए, जहाँ पे भी वही चीज़ होना है लास्टली हमको इतना ही याद रखना है, ये तीन चीज़ होना है यहाँ पे, तीन चीज़, एक क्या हो जाएगा, आई एन जी बींग, आई एन जी किस में कन्वर्ट होगा, बींग में कन्वर्ट होगा, ये आपको याद रखना है। फिर हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं पहले एक्जुलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट आता है, तो जब हम टेंस को पढ़ते हैं तो एम आई रीडिंग ए बुक, तो फिर वैसे ही हम बनाएंगे, पहले मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट चूज कर लेना रहेगा, ए बुक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ए बुक के लिए एक्जुलरी वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज पहले लगाएंगे, इज ए बुक। अब चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं आई एन जी लगा हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, बींग लगाएंगे, और रीड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा बाय मी,
तो इस तरह से बनता है। अब फिर हम वाई वाले सेंटेंस को देखते हैं। वाई वाला सेंटेंस में स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, बट आपको जैसे मैंने बताया सिर्फ हु जब रहता है तो बाय हुम में कन्वर्ट होता है, और जितना भी डब्ल्यू एच वर्ड रहे, चाहे वो वाई रहे, वेयर रहे, सब वैसा का वैसा ही रह जाता है। किसमें? पैसिव वॉइस में। तो y का y ही रह जाएगा। फिर हम सब्जेक्ट चूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या था? एरेस था। एरेस के लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? इज होगा। y इज फिर सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, एरेस। y इज एरेस। अब फिर हम देख रहे हैं कि इसमें रनिंग लगा हुआ है, ing लगा हुआ है, तो ऊपर आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा था ing को किस में बदलना है? बींग में बदलना है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? एरेस इंटोगेटिव सेंटेंस में थे हम, वाई इज एरेस आ जाएगा और बींग हो जाएगा, और रन का भीतरी फॉर्म भी रन ही होता है, रन रन रन, वाई इज रन रेन रन, इस तरह से वाई इज एरेस बींग रन बाय यू। ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हुम आर यू सर्विंग? Whom are you serving? यहाँ पे whom लगा हुआ है, तो फिर इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? Who में कन्वर्ट कर देंगे। Who हो गया, और फिर इसमें सब्जेक्ट खोजेंगे। तो are you serving? यहाँ पे तो कोई भी सब्जेक्ट हमको दिख नहीं रहा है, तो whom जो था वही सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे था, तो whom को who में मैंने कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या यहाँ पे क्या लिखा? इज लिखा, और यहाँ पे सर्विंग के लिए बींग लिखा, और फिर सर्व्ड, तो हु इज बींग सर्व्ड बाय यू, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं निगेटिव एंड इंटोग्रेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने बताया, मैं हर एक टाइप ऑफ सेंटेंस में, हर एक टाइप ऑफ टेंस में, चार टेंस का टाइप होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने चार सेंटेंस बताया। अब इसमें मैं बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का चौथा टाइप, जो कि निगेटिव एंड इंटोग्रेटिव सेंटेंस लेते हैं, जिसमें निगेटिव भी हो और इंटोग्रेटिव क्वेश्चन मार्क भी हो और निगेटिव भी हो। जैसे एम आई नोट रीडिंग ए बुक, फिर वही चीज़ आपको क्या करना है, चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है तो इज को पहले लेना है। जैसे यहाँ एम पहले था तो इज पहले आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट मैंने चूज कर लिया सबसे पहले, ए बुक आ गया, ए बुक के बाद इज, ए बुक के लिए ऑक्सिलरी वर्ब इज आ जाएगा, इज ए बुक। चूँकि इसमें नोट लगा हुआ है तो हम नोट भी लगाएंगे, नोट, और आई एन जी लगा हुआ है तो बींग लगाएंगे, रेड बाय मी। आपको समझ में आ रहा है? फिर देखिए यहाँ, हुम आर यू नोट सर्विंग? तो ऊपर वाले क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, सिर्फ नोट का नोट लगा हुआ है। तो फिर उसी तरह हु इज नोट बींग सर्व्ड बाय यू। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, आप एक बार समअप करके सुन लें। अभी तक मैंने जो आपको बताया है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का चार टाइप बताया, एफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, देख रहे हैं आप किस तरह से बना रहे हैं, इसमें एस सी आई एस को इज आर एम में कन्वर्ट करना है, प्लस भी थ्री फॉर्म लगाना है। ये सबसे पहला मेल चीज़ जो कि हमने पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा, और पूरे हम रखेंगे प्रेजेंट टेंस में, इज आर एम और भी थ्री हमेशा फॉर्म में रहेगा। फिर मैंने देखा निगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस में जस्ट, ड्रॉप, डू एंड डज का कंसेप्ट बताया था। फिर देखिए इंटोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं, वही कंसेप्ट इंटोगेटिव सेंटेंस को बनाने का। फिर हम देखते हैं इंटोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ये चार टाइप हो गया किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इसमें भी चार टाइप। पहला मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। फिर हम लेते हैं निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं इंटोग्रेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इंटोग्रेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, और फिर लास्ट में निगेटिव एंड इंटोग्रेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, मैं इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिस तरह हो गया, अगले वीडियो में, इसी के सीरीज वाइज वीडियो में, मैं आपको बताऊँगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चार टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। फिर
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के चार टाइप्स के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये अगले वीडियो में होगा। फिर उसके अगले वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस को बताऊंगा और फिर फ्यूचर टेंस और फिर बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन। इससे आपका सिर्फ टेंथ, आप अगर 9th 10th के स्टूडेंट हैं तो भी ये आपको फ़ायदेमंद है, या फिर कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस वीडियो को देख के अच्छे से क्वेश्चन बनाना सीख सकते हैं। आपको कंपटीशन में इस लेवल का क्वेश्चन आता है, हु आर यू नॉट सर्विंग, इस तरह के क्वेश्चन को आता है कि किस तरह से आप बनाएंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है और इस तरह से आप पूरे वॉइस को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर आपको अगर ये मेरा ये कंसेप्ट विदाउट स्ट्रक्चर पढ़ने का जो ढंग है, विदाउट स्ट्रक्चर समझने का जो तरीका है, वो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अच्छे से इस चीज़ को पढ़ पाएँ।